और दोस्तों इस समय हूँ मैं संजय पुल पर, और संजय पुल से आप देख सकते हैं हरकी पौड़ी का पूरा क्षेत्र मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए, तो दोस्तों इस समय जल साफ नहीं है क्योंकि जल में काफ़ी मिट्टी भी है, रेत भी है, और देखिए आप, और पूरा दृश्य आप देख सकते हैं, पूरा घाट फुल है आज। सभी श्रद्धालु अपने गोताखोर श्री गौतम पुलिस चौकी के पीछे, ये देखिए दोस्तों, आपको तो दिखाता हूँ मैं नाई घाट का दृश्य ऊपर से। हरकी पौड़ी क्षेत्र में प्रवेश करें सभी श्रद्धालु अपने जूता चप्पल श्री गौतम पुलिस चौकी के पीछे, ये देखिए दोस्तों आप, ये दृश्य मैं आपको पुल से दिखा रहा हूँ, देखिए आप। दोस्तों जय माँ गंगे, हर हर गंगे गंगा मैया की जय। तो दोस्तों आप देख रहे हैं इस समय हरकी पौड़ी का आज का ताज़ा नज़ारा, ताज़ा दृश्य, ताज़ा तस्वीर के साथ आप माँ गंगा दर्शन करें। और दोस्तों देखिए आप, हरकी पौड़ी का पूरा क्षेत्र भरा हुआ है, काफ़ी सारे श्रद्धालु यात्री लोग पहुँचे हुए हैं माँ गंगा में स्नान करने के लिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए आप, अपर रोड का दृश्य देखिए आप, जहाँ से श्रद्धालु नीचे आ रहे हैं और काफ़ी संख्या में श्रद्धालु नीचे आ रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरफ दिखाता हूँ मैं आपको, तो ये घाट भी पूरा भरा हुआ है आज, ये देखिए आप, ये पूरा घाट भरा हुआ है। और दोस्तों जल स्तर की बात करें तो जल स्तर बढ़ा हुआ है, ये देखिए जल स्तर बढ़ा हुआ है, पर जल साफ नहीं है, जल मटमैला है। और दोस्तों आज अमावस्या तिथि भी है, तो इसलिए काफ़ी सारे श्रद्धालु यात्री जो पहुंचते हैं तो अपने पितरों के लिए पिंडदान तर्पण का कार्य करवाते हैं। तो आपको मैं ले चलूँगा नाई घाट पर, दिखाऊंगा आपको जहाँ पे पिंडदान तर्पण आदि कार्य किया जा रहा है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हमारा नववर्ष स्टार्ट होता है और कल से ही नवरात्रि स्टार्ट भी हैं, तो आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएँ, माता रानी की आप सब पे कृपा बनी रहे। और दोस्तों देखिए आप, तो आपको ले चलता हूँ मैं ब्रह्मकुंड घाट की तरफ। आज काफ़ी क्राउड भी है, ये देखिए आप, पूरा घाट फुल है, तो आपको ले चलता हूँ मैं आगे। और दोस्तों यह है महिला घाट का दृश्य, तो देखिए महिला घाट पूरा भरा हुआ है आज। दोस्तों जल स्तर बढ़ा हुआ है आज, देखिए और दोस्तों यह है ब्रह्मकुंड घाट का नज़ारा, देखिए ये घाट ही पूरा फुल है। और दोस्तों यहाँ पे जल स्तर आप देख सकते हैं, पहले घुटने तक का जल था, अब कमर तक का जल है, जो भी जल स्तर बढ़ चुका है। और सामने अस्थि परवा घाट, देखिए वो घाटी पूरा फुल है। तो आपको ले चलता हूँ मैं ऊपर संजय पुल पर, संजय पुल से दिखाता हूँ मैं आपको। तो यह है नाई घाट का दृश्य, जहाँ पे श्रद्धालु लोग अपने पितरों के लिए पिंडदान तर्पण गंगा स्नान कर रहे हैं, तो देखिए आप। और दोस्तों आप देख सकते हैं आज काफ़ी भीड़ है, पुल पे भी देख सकते हैं आप। और दोस्तों मौसम की बात करें तो मौसम साफ है, धूप काफ़ी तेज़ है, काफ़ी तेज़ धूप है। तो आपको ले चलता हूँ मैं इस तरफ, तो देखिए आप मार्केट की रौनक। बाकी दोस्तों आपको घबराने कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बता दिया है, आप बेफिक्र होके आ सकते हैं। ना रेलवे स्टेशन पर चेकिंग हो रही है, ना ही बॉर्डर पर, आप आराम से आ सकते हैं। बाकी आप मास्क का प्रयोग आप करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि भीड़ भाड़ काफ़ी है अगर आप आ रहे हैं हरिद्वार, क्योंकि हर दिन आप भीड़ आपको देखने को मिलेगी गर्मियों तक, तो आप मास्क का प्रयोग ज़रूर करें, बाकी आपकी मर्जी। देखिए आप,
आज की रौनक। तो आपको ले चलता हूँ मैं ऊपर संजय पुल पर, संजय पुल से दिखाता हूँ मैं पूरा हर की पौड़ी का क्षेत्र और इस तरफ का भी। तो देखिए आप, ये देखिए दोस्तों आप, आज काफी भीड़ है। और पुलिस वाले भी घूम रहे हैं, कोई हुड़दंग ना मचाए इसलिए। और दोस्तों इस समय हूँ मैं संजय पुल पर, और संजय पुल से आप देख सकते हैं हर की पौड़ी का पूरा क्षेत्र मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए, तो दोस्तों इस समय जल साफ नहीं है क्योंकि जल में काफ़ी मिट्टी भी है, रेत भी है। और देखिए आप, और पूरा दृश्य आप देख सकते हैं, पूरा घाट फुल है आज। सभी श्रद्धालु अपने जूता चप्पल श्री गौतम पुलिस चौकी के पीछे, ये देखिए दोस्तों आप, तो आपको दिखाता हूँ मैं नाई घाट का दृश्य ऊपर से। हर की पौड़े क्षेत्र में प्रवेश करें, सभी श्रद्धालु अपने जूता चप्पल श्री गौतम पुलिस चौकी के पीछे, जूता ये देखिए दोस्तों आप, ये दृश्य मैं आपको पुल से दिखा रहा हूँ। देखिए आप, काफी क्राउड है आज। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ गंगे, हर हर गंगे, गंगा मैया की जय।